गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। सो गाइज आज हम जा रहे हैं गोवा हमारे वासु भाई के साथ और हमारे शिवा भाई। बहुत ही खुश दिख रहे हैं पीछे। सो आज हम ये अपनी तार लॉन्ग के लिए बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है अपनी। मैं ज़्यादा प्रेफरेंस इस पर ही करता हूँ मैं, क्योंकि मुझे बहुत कम्फर्ट दिखती है बोल के। सो गाइज आप देख सकते हैं इसको। सो ब्रो यू वॉन्ट टू से समथिंग? आज बहुत खुशी की बात है, आज मुझे अपॉइंटमेंट मिला है। 4 महीने से अटके हुआ था एंड नो आई एम जॉइंट सेक्रेटरी फॉर IHRC। सो गाइज कंग्रेट्स ब्रो। सो गाइज गोवा की पार्टी, एक दिन की पार्टी हमारे वासु भाई की रहेंगी पूरी। सो इस पे तो डॉट नहीं है भैया, क्या बोलता है, एक दिन पार्टी पूरी तेरी ना। सो ओके गाइज प्लीज वॉच इट आउट। सो गाइज अभी हमारी जर्नी स्टार्ट होती है यहाँ से। सो लेट्स गो। सो गाइज ये है मुंबई हाईवे 4-lane road। सो गाइज फाइनली हम पहुंच गए संगारेड्डी ऑलमोस्ट ऑल। सो यहाँ पर कुछ जुगाड़ देखेंगे खाने पीने का हमारा। अरे भैया दुकाना बंद दिख रही है यार। तो लगभग घर करने से 10 बजे निकले थे हम। तो गाइस हाईवे का यही रहता है कि गाड़ी किधर से कहाँ से आती तो पता नहीं चलता है, सडन ब्रेक मारा ये। अब देखे ना इसी ये हिसाब रहता हाईवे का। सो प्लीज बी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग। रात के टाइम, बारिश का टाइम तो बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए अपन को। तो गाइज फाइनली वी आर एट जहराबाद और अपने जहराबाद में। हेलो अंजी, हाय। अंजी भाई हम 2 घंटे से रुका, अंजी को 2 घंटे से रुका देते अपन सेम यही जगह के नीचे। गुस्सा हो गए एक्चुअली। अंजी मेरा मेरा इंटर का फ्रेंड है मेरा। पीछे वासु भाई मजा लेते भी, वासु भाई हमारे। सो गाइज ये ट्रिप हमारा बहुत मजा। सो गाइज जैसे कि आप देख सकते हैं जहराबाद के बाद बारिश ही नहीं है इधर। सो आप पूरा देख सकते हैं इधर जर्री बारिश नहीं है यहाँ पर। जहराबाद के पहले बहुत ही बारिश था वहां पर, क्योंकि अपने अंजी गाड़ी में बैठे बोल के बारिश नहीं आ रहा है इधर। और अंजी भाई गाड़ी चला रहे बोल के बारिश नहीं आ रही। ये हमारे वासु भाई, वासु भाई तो बारिश ही नहीं है कहीं को। तो गाइस फाइनली उमनाबाद पार हो गए हम। उमनाबाद पार हो के लगभग 20 किलोमीटर आगे भी आ गए। सो सोचे कि कुछ खा लेंगे बोल के घर से बना के लेके आए थे टिफिन में। सो जगह भी एकदम खास, एकदम बढ़िया दिख रही है इधर, देख सकते हैं इसको। सोचेंगे अगर समझ नहीं आता इधर ही टेंट डाल लेंगे हम, अगर समझ नहीं आता टेंट भी डाल लेंगे अपन इधर। तो गाइस अभी हो रहा है रात के 1:19। सो सोच रहे खाने के बाद बहुत नींद आ रही। सोच रहे थे कि थोड़ा रेस्ट ले लेंगे बोल के। सो गाइस आप देख सकते हैं। सो हम साथ में टेंट हमारा देखेंगे इधर डालने, डाल के थोड़ा रेस्ट ले लेंगे बोल के सोच रहे। सो अभी हम टेंट हमारा खोलेंगे भाई, जब टेंट खोलो भैया। सो इसको पूरा खोल के आपको बताऊंगा मैं, जैसे कि मेरे लास्ट वीडियो में भी इसका ओवरऑल व्यू बहुत लोग पूछ रहे थे कि इसका भैया ओवरऑल व्यू बनाओ बोल के, मैंने नहीं बनाया। सो गाइस इसको मैं गोवा में बनाऊंगा ओवरऑल व्यू पूरा इसका। गाइस हमारा टेंट रेडी हो गया, आप देख सकते हैं इसको। अब अपन इसको इधर ही सेट कर दिए, बस 2 मिनट में, 2 मिनट भी नहीं लगता, बस 1 मिनट में पूरा सेट हो गया पूरा। जैसे आप देख सकते हैं इसको और टेंट को। क्योंकि रिस्क लेना
अच्छा नहीं है इसके लिए, रात का टाइम है बोल के हम रुक लिए गाड़ी। सो अभी रेस्ट कर लेंगे, अब सुबह को कल मिलेंगे हम। अंटिल बाय बाय, गुड नाइट। सो गाइज गुड मॉर्निंग, 2 घंटे का रेस्ट हो गया हमारा। सो अभी हम निकलते हैं यहाँ से क्योंकि बहुत लंबा जाने का है अभी, 500 किलोमीटर। सो सबको उठा लेंगे अपन। ये अंदर वासु भाई अपने और ये अपना इंजीनियर, सब लोग सो रहे। सो गाइस अभी हम पहुंच गए उमरगा। और रात में हमने अपना अंजी चला रहा था गाड़ी, सो अभी मैं चला रहा हूँ गाड़ी। सो देखते हैं अंजी कितने किलोमीटर बता रहा है अपन को। सेवन वर्ड्स की जर्नी बता रहा अभी। लगभग 1 o'clock तक रीच होते बोल के। सो गाइस अभी देखेंगे अपन कितना जल्दी पहुंचते, तो 2 बजे तक टाइम बता रहा। सो गाइस इफ यू आर प्लानिंग टू गो गोवा फ्रॉम हैदराबाद टू गोवा, प्लीज चूज दिस रोड। ये सोलापुर की रोड है, ये 4-way हाईवे। तो तुम्हारे क्या है बोले तो गाड़ी एकदम नीट, रोड भी अच्छी है, ज़्यादा रोड पर डैमेज वगैरह थोड़ा रोड ख़राब भी नहीं है। सो अब ये रोड चूज़ करो जाने के लिए, क्योंकि मैं भी हम जाने से पहले हम आपको भी सजेस्ट किया था कि ये रोड से जाओ बोल के, सोलापुर की रोड से। सो हम भी ये रोड से जा रहे हैं, रोड बहुत ही अच्छा है। तुम्हारा ये रोड का पूरा व्यू दिखाऊंगा मैं। सो कहाँ से कहाँ तक कवर कर सकते थे अपन। सो गाइस आप देख सकते हैं मॉर्निंग व्यू, अभी टाइम हो रहा 5:59। सो गाइस ये है शिवाजी किला, अपने तुलजापुर से पहले, बहुत ही बड़ा किला है ये, नलदुर्ग। और महाराष्ट्र में जितने भी किले पूरे दो सौ चिल्लर किले पूरे अपने शिवाजी महाराज की। हाँ ज़्यादा पर महाराष्ट्र में जितने भी किले पूरे अपने शिवाजी महाराज के थे सो गाइस ये है फ्रंट लुक किले का। मॉर्निंग सनसेट। सो गाइस ये है तो तुलजापुर की रोड है ये, अभी हम जाना है सोलापुर। सो हम ये रोड कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस ऑलमोस्ट साल सुबह सुबह हमारी बोनी भी हो गई, ट्रैफिक वाले गाड़ी पकड़ ली अपनी, उसका गाड़ी का ब्लैक फ्लेम और सामने का रेड ब्लू लाइट, इसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन नहीं करना बोल के। तो बोल रहे थे कि 4,002 बोल के, लेकिन हमारे वाजू भाई हमारे साथ है बोल के, हमारे को ज़्यादा पेनल्टी नहीं गिरी, 200 रुपये देना पड़ा हमारे को, वो भी रूल्स के हिसाब से। ब्लैक फ्लेम इसी के लिए हम पकड़े, और सामने रेड और ब्लू लाइट था बोल के। सो गाइस देख सकते हैं अपनी गाड़ी को। और वासु ब्रो, वासु। सो गाइस फाइनली हमारा फिल्म निकल गया गाड़ी का क्योंकि चालन बहुत ही भयंकर मार रहे इसके लिए, और हमारे वासु साहब पीछे बैठे उन्होंने स्पेशली निकाल दो बोल के बोले हमारे को। सो ये देखो एकदम पूरा ट्रांसपेरेंट, ये भी आई एम फीलिंग वेरी सैड ब्रो। इट्स ओके, कानून की कुछ इज्जत करेंगे, ठीक है डन। सो गाइस आप देख सकते हैं सीनरी कैसा है तो इधर का, सामने पुलिस वाले भी है सो गाइस एकदम गाइस यही हो रहा था हमें, ऊपर विंडशील्ड भी देख सकते हैं आप। एक खूबसूरत सीनरी है पूरा।
मोती मार रही है। तो गाइस यू कैन सी द सीनरी, वाह भैया मस्त है ना। हमें यही होना था ट्रिप में, लाइक सीनरीज वगैरह। तो गाइस अभी हम बेलगावी में हैं, इधर से अभी और 100 किलोमीटर जाना है मुझे, 100 है ना भैया, और गोवा के लिए और एक 50 किलोमीटर लगा लो, सो टोटल 150 किलोमीटर जाने का इधर से, ये है बेलगावी। सो गाइस हैदराबाद से यहाँ तक तो रोड बहुत अच्छी है, लाइक एकदम मक्खन तसर जा सकते अपन हमारे गांव की सर। सो गाइस कितना के तो समझने नहीं आ रहा, लाइक रोड भी बहुत छोटी है, लाइक गांव में घुस गए हम, और रोड भी कैसा है तो आप सामने भी देख सकते हैं, और सामने भी देख सकते हैं आप, ये देखो भाई इधर पानी भरते हुए, अरे भाई वाओ वाओ मगा। तो गाइस अभी गार्ड सेक्शन स्टार्ट हो गया हमारा, आप देख सकते हैं आगे, और लाइक होटल भी बहुत मस्त दिख रहा है उसका शेप वगैरह। गाड़ी चला चला के आज हमारा रंजीत पीछे जाके सो गया, चला रहे बोले तो नहीं सोया, चला रहे हुए गाड़ी पैर दर्द हो रहे, अब आओ कंटिन्यू 200 मारो दिया जब से। सो गाइस आप देख सकते हैं इधर का रोड, और जरा भी बहुत साइलेंट है इधर, राइट भैया ये बहुत अच्छा लगा मुझे, और रोड भी बहुत नीट है इधर। सो गाइस आप देख सकते हैं इधर, मतलब लगभग हम आ गए आरंभुल ना, अम्बोली वाटरफॉल्स, तो लाइक करीब करीब 10 किलोमीटर दूरी पे है, और यहाँ का सीनरी तो बहुत ही बेहतरीन है, आपको नहीं बता सकता मैं कितना, और थोड़ा लाइक थोड़ा बारिश में जाना इधर आए तो ये अपन को लाइक धुपकाले में तो समझ नहीं आता। सो ये है हमारी बेलपुरी, ये हमारा वासु अकेले प्लेट सूते भी या एक प्लेट में दो जने खा रहे हैं, मैं और अंजी या भैया पूरा अकेले खाते बैठा है सर, डबल इंजन देख गाइस आप देख सकते हैं सीनरी कैसा है तो अपने मोबाइल पे, लेकिन बहुत ही मजा आ गया सीनरी देख के, लाइक पूरा फॉरेस्ट एरिया ही है, आप देख सकते हैं बारिश में पानी बारिश, हमारा अंजी भाई धोते भी इधर लकड़ी डालते भी, बारिश में खाना बना रहे सब लोग इधर, क्लाइमेट भी देख सकते हैं बहुत ही लाइक बारिश का मौसम दिख रहा बहुत, आप देख सकते हैं जैसे कि। सो गाइस देखेंगे खाना बनता नहीं बनता तो बारिश में। सो गाइस अभी हम डाल लिए अदरक और चटनी साथ में, इसको अच्छा फ्राई करेंगे अपन, ये तो मैं ही बना रहा हूँ अभी मटन, मुझे मटन बनाना बहुत शौक है नॉन वेज में, तो सबको खिलाएंगे अब बना के अपन। एक दो टमाटर काटेंगे बस। तो गाइस आप देख सकते हैं इसको थोड़ा अच्छा फ्राई होने दो, क्यों बोल रहे हो लाइक चटनी अपन डालने के बाद इसको लाइक अच्छा पन नहीं रहना, इसके लिए उसको अच्छा भून लेंगे अपन चटनी, चटनी भुनने के बाद ही स्वाद आता इसका जब तक नहीं आता। तो गाइस आप देख सकते हैं
चटनी अच्छा भुनने के बाद अपन बनाएंगे इसको। चूल्हा भुनने के बाद जा रहा है। गाइस अगर आप झरने में गए तो लाइक ज़्यादा कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ये एक्चुअली ये चटनी जो है हमारी होममेड है। इस पर लाइक हम अदरक, हरी मिर्ची, सूखी मिर्ची और अपना थोड़ा काजू, बादाम और क्या बोलते हैं इसको लाइक पूरा मिक्स कर लेके थोड़ा नमक पूरा मिक्स करके बनाते हैं हम इसको। सो ये हमारी चटनी बस काफ़ी है कि पूरा टेस्ट लेके आने में। आप देख सकते हैं इसको तो छर छर हवा जा रही तो छर छर बोल के। तो अभी हमारा चटनी अच्छा से फ्राई हो गया। भैया मटन का है। सो गाइस अभी मटन दल गया इसके अंदर। अब्बा पटाखे फूट रहे हैं। मटन हमारा ये लगभग 1.5 kg है। हिसाब से ले ले गया है मैं 1.25 kg वासुभाई 1/2 kg शिवा भाई 1/2 kg। तो इसको अच्छा से मिक्स कर लेंगे अपन। तो गाइस मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ। प्लीज आप भी शेयर करो, कमेंट करो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा मटन एकदम रैप चेक। गाइस एक्चुअली क्या है बोले तो हम कुकर नहीं लेके आए। हम सोचे ही नहीं थे कि मटन बनाएंगे बोल के। हम इस पर लकड़ी में बनाएंगे हम उतना फिक्स हो गए। तो मटन आपको टेस्ट भी कराएंगे हम। वासु भाई आपको देखे कैसा बनाता हूँ। भैया धुआं निकल रहा। हाँ जी सही है ना। अरे याद है भाई इस पे अपन आए थे ये रोड पे। चलो बीमा मैं वीडियो निकाल रहा हूँ। रिस्क राजा सो गाइस बारिश बहुत ही हो रही इधर। आप देख सकते हैं रोड कैसी है। तो लाइक आ रहे बोल के गाड़ी निकल जा रही अपनी, नहीं तो दूसरी गाड़ी थी तो नहीं निकलती मेरे। मतलब स्लो हो जाना पड़ता गाड़ी और फिर भी एक 40-50 की स्पीड चला सक रहे इस पे खड्डों में भी। देख सकते हैं आप ये देखो खड्डे देखो आप ये भाई रहा हाल। सो गाइस आप देख सकते हैं गाड़ी की स्पीड भी अपनी 50 की स्पीड। अभी भैया बोले कि गाड़ी भगा बोल के तो भाई अपन भगाएंगे अब गाड़ी। देख सकते पत्थर बाहर से अंदर आया हुआ पत्थर इसको बोलते फ्लाइंग स्टोन। क्या बोलते हैं फ्लाइंग स्टोन। सो गाइस ये कहते हैं फ्लाइंग स्टोन कहते हैं वहां पे। अ फ्लाइंग स्टोन हिट माय मिरर विंडशील्ड डैमेज इंश्योरेंस क्लेम। सो गाइस यू कैन सी स्नो ही जना भाई पूरा स्नो ने फॉग हम आ गए अम्बोली व्यू पॉइंट के पास। अभी लाइक वाटरफॉल के पास भी जाएंगे उधर पानी आ रहा कि नहीं आ रहा कि नहीं पता। सो वाह वाटरफॉल
वासु वाटरफॉल्स कहाँ है? तो गाइस ये है अम्बोली व्यू पॉइंट, आप देख सकते हैं, जरा दिखाओ। तो गाइस आप देख सकते हैं इधर लाइक थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है, इधर बारिश, और आप देख सकते हैं बादल भी वहाँ पर। बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ से, थोड़ा बारिश में भी और मज़ा आ रहा देखने में, और गिरने से भी आप देख सकते हैं बारिश गिर रही। तो सो अभी देखेंगे इसका वाटरफॉल्स चालू है क्या नहीं। सो गाइस आप देख सकते हैं फॉग पूरा सो गाइस ये है वाटरफॉल, आप देख सकते हैं लाइक अभी अभी थोड़ा लाइक अभी थोड़ी पहली बरसात का पहला मतलब स्टार्टिंग ही बोल के थोड़ा थोड़ा आ रहा, धीरे धीरे जैसा बारिश बढ़ते जाएगी वैसा ये पूरा बढ़ जाता। आपको ये जितने भी ये जो दिख रहा ना ये पूरा भर के बहता। गाइस ये छह अम्बोली वाटरफॉल्स। सो गाइस ये था अम्बोली वाटरफॉल्स। सो हम रिसेंटली लाइक लास्ट ईयर गए थे, जो लास्ट का फोटो है वो लास्ट ईयर का था। सो इस टाइम बारिश नहीं हो रहा था, इसके लिए आपको बताने के लिए मैं वीडियो फोटोज डाला था। और सो गाइस ये है हमारा फर्स्ट पार्ट। सो यहाँ से फिर अम्बोली से फिर हम जाएंगे गोवा के लिए, वो सेकेंड पार्ट में दिखाऊंगा कि वीडियो बहुत लेंथी हो गया था। सो प्लीज़ गाइस इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सेम मोर वीडियो अंटिल, बाय बाय।